स्मार्ट किचन रेसिपी। मैं प्रभा स्मार्ट किचन रेसिपी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वीट कॉर्न, जिसके नाम में ही मिठास हो तो इससे बनने वाली रेसिपी का स्पेशल होना तो लाजमी है। तो आज इसी स्वीट कॉर्न से स्मार्ट किचन रेसिपी में हम बनाने जा रहे हैं स्वीट कॉर्न सूप। स्वीट कॉर्न अपने आप में विटामिन से भरपूर तो है ही, इसके सूप में डाली गई सब्जियां इसे और ज्यादा हेल्दी बना देती है। तो चलिए बनाते हैं स्वीट कॉर्न सूप। सूप बनाने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार और इसमें डालेंगे आधा कप स्वीट कॉर्न और थोड़ा सा पानी और इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। हमने पेस्ट तैयार कर लिया है तो इसे अब हम थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। अब एक पैन में हम गरम करेंगे एक टेबलस्पून तेल। तेल गरम हो जाने पर हम उसमें डालेंगे एक टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, एक इंच अदरक का टुकड़ा बारीक कटा हुआ, दो हरी मिर्च बारीक कटी हुई, दो टेबलस्पून हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा और इन सभी चीज़ों को एक मिनट के लिए हम पका लेंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ फ्रेंच बीन्स, एक चौथाई कप स्वीट कॉर्न, एक चौथाई कप बारीक कटा हुआ गाजर और इन सभी चीज़ों को हम दो मिनट के लिए और पकाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे हमारा पिसा हुआ स्वीट कॉर्न का पेस्ट और इसे भी हम दो मिनट के लिए लगातार चलाते हुए पका लेंगे। अब इसमें डालेंगे तीन कप पानी, मिक्स कर लेंगे और डालेंगे एक टीस्पून नमक और इसे अब ढककर 10 से 12 मिनट के लिए मध्यम आंच पर पकने देंगे। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। 10 से 12 मिनट हो गए हैं तो अब हम ढक्कन को हटा लेते हैं और इसमें डाल लेते हैं एक चौथाई छोटा चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, एक टीस्पून विनेगर, इसे भी मिला लेते हैं। अब एक बोल में हम लेते हैं एक टीस्पून कॉर्न स्टार्च और उसमें डालते हैं एक चौथाई कप पानी, इसे मिला लेंगे और इसे अब पैन में डाल लेंगे और इसे अब लगातार चलाते हुए दो मिनट के लिए हम और पका लेंगे। आखिर में इसमें डालेंगे कटे हुए हरे प्याज के पत्ते। हमारा स्वीट कॉर्न सूप अब बनकर सर्व करने के लिए तैयार है। आप इसे शाम के वक्त या फिर रात में आपको कुछ लाइट यानी हल्का फुल्का खाने का मन करे तो इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि स्वीट कॉर्न का एक कप सूप ही हेल्थ और टेस्ट दोनों का ही सुपर्ब कॉम्बिनेशन है। तो आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। आपको स्वीट कॉर्न सूप की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपसे फिर मुलाकात होगी स्मार्ट किचन रेसिपी में कुछ और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।